भाई यहाँ से एनिमी को मारोगे तो पता भी नहीं चलेगा इन गाइस, सही बता रहा हूँ। अगर यहाँ से मार दिया तो एनिमी बोलेगा भाई ये क्या हो गया, और भाई ये टीडीएम में मैं कहाँ पर आ गया यार, तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। ट्रिक नंबर वन, तो गाइस सर आप में से काफी सारे लोगों को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा, बिकॉज जो बिल्कुल ही प्रो प्लेयर होते हैं टीडीएम के वो उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो, यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल दिख रहा होगा, लेकिन गाइस सर आप में से काफी सारे लोग इसको नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे। अब जैसे कि मेरी स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देखना, मेरे सामने मेरा बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, आप लोगों को पता है वहां पर तो लोग मारते हैं, वापस से कैंपिंग करने लग जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है गाइस। जैसे आप लोग यहाँ पे जो उसको मारोगे, मारने के बाद दोस्तों बैकअप पे आइएगा इन गाइस, वहां पे जो छोटा सा छेद दिख रहा है ना वहां से स्प्रे करने की कोशिश कीजिएगा इन गाइस, जो बंदा होता है काफी आसानी से यहाँ पे जो है मर जाएगा। सही बता रहा हूँ गाइस, बहुत ही कमाल की ट्रिक है, पर उसके लिए आप लोग यहाँ पे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बहुत तेज होने चाहिए, तभी आप लोग इसका यूज कर पाओ। ट्रिक नंबर टू, अगर आप लोगों को यहाँ पे जो है टीडीएम के बाहर जाना है तो गाइस 8v8 टीडीएम के अंदर आप लोगों को यहाँ पे ये वाली ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गाइस, आप लोगों को बस अपने एक फ्रेंड की जरूरत पड़ने वाली है, जहां पर मैं कर रहा हूँ वहां पर चले जाइएगा। वहां पर जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को बार बार जंप करना है, आपके फ्रेंड को बोलना है कि बस वो भी आपके पीछे पीछे यहाँ पे जंप करता रहे, ठीक है। ऐसे करोगे तो गाइस बूम सीधा आप लोग यहाँ पे जो है टीडीएम के बाहर चले जाओगे गाइस। वहां का जो नजारा है, ओ भाई साहब क्या नजारा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई, बहुत ही कमाल का बाहर से यहाँ पे लगता है। एंड भाई एक चीज और है यहाँ पे कि आप लोग जो है वहां से किसी को नहीं मार सकते, जस्ट चिल करने के लिए आप लोग वहां जा सकते। एंड जैसे आप थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करोगे तो अपने आप ही मर जाओगे, बट हाँ अगर आपको जाने की ट्राई करनी है तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों एक और ट्रिक, उसके पास में आप लोगों को यहाँ पे खिड़की देखने को मिल रही है, अगर आप लोग यहाँ पे जो है चाहो तो उस घर के अंदर जा सकते हो। कैसे जाना है, बिल्कुल सेम तरीका ही है गाइस आप लोगों के लिए, यहाँ पे खिड़की के पास जंप करो, आपका फ्रेंड को बोलो वो भी पीछे जंप करता रहेगा, तो आप सीधा यहाँ पे जो है खिड़की के अंदर जा सकते हो गाइस। सही बता रहा हूँ यार, यहाँ से आप लोग यहाँ पे काफी ज्यादा फन कर सकते हो, मतलब यार ऑब्वियसली बात है किसी को मार सकते नहीं हो, उसके लिए अगर आपको मारना है थोड़ा सा गन पॉइंट जो होता है वो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बट फर्क यहाँ पे यही है ना, अगर आप ऐसा करते हो तो ऑब्वियसली बात है आप एनिमी को दिख जाओगे, ठीक है। लेकिन गाइस बहुत कमाल की चीज है, यहाँ पर बैठ के आप लोग यहाँ पे जो है काफी आसानी से टाइम पास कर सकते हो, लेकिन काफी अच्छा तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं टीडीएम के और कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, तो बेसिकली गाइस आप लोगों ने काफी सारे होल्स को देखा होगा टीडीएम के अंदर, गाइस ये वाला होल को आप लोग यहाँ पे चेकआउट करो, मतलब यार दीवार के बीच में एक छोटा सा होल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप M24 खेलते हो तो गाइस ये जो चीज है ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट हो गया। आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखो, सामने बंदा खड़ा है, बीच में आप लोगों को यहाँ पे होल देखने को मिल रहा है, वहां पर जाओ एंड गाइस बूम उसको यहाँ पे जो है हेडशॉट मार दो एंड वो जो है बंदा काफी आसानी से यहाँ पे जो है नॉक हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ अगर हम बात करें सेकंड के बारे में, तो गाइस सेकंडली भी आप लोग को यहाँ पे ये जो बेस्ट होल जो होता है आपको देखने को मिल रहा है, मतलब यार देखो M24 अगर आप लोग खेल रहे हो यहाँ पे, या फिर अगर आपका स्प्रे अच्छा है तो आप M4 से भी मार सकते हो, लेकिन आप लोग बहुत दूर यहाँ पे बंदा खड़ा होगा, आपके सामने यहाँ पे जो है होल है, आप लोग काफी आसानी से एम कर सकते हो और उस बंदे को यहाँ पे जो है नॉक कर सकते हो, ठीक है। ये जो ट्रिक बताऊंगा तो वो तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर तो बंदा कैंपिंग करता ही रहता है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे चढ़ रहा हूँ उस लकड़ी के पट्टे पे, आपको वहां पे चढ़ना है गाइस, चढ़ने के बाद आप चाहो तो वहां से भी पिक करके मार सकते हो बंदे को। एंड गाइस अगर आप चाहो तो ये वाला जो पिक का एरिया है ना, यहां से पिक करके बंदे को मार सकते हो, लिटरली बता रहा हूं, बंदे को कोई आईडिया नहीं हो कि आप लोग वहां पे खड़े हो, तो गाइस इसका भी डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर ही सकते हो। एंड उसी के साथ अगर काफी सारे लोग मुझसे पूछेंगे भाई अगर हमको यहाँ पे जो है स्प्रे करना है, तो गाइस स्प्रे करने के लिए भी आप लोगों के लिए यहाँ पे कमाल का नया होल बनाया गया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, सामने से एनिमी मान लो भागता हुआ आ रहा है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा होल है, आप लोग आराम से क्राउच कर सकते हो ताकि एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग कहां पर बैठे हो। गाइस वहां पर एम करके आप लोग काफी आसान तरीके से एनिमी को नॉकडाउन कर सकते हो, ठीक है। उसी की बात तो आप लोगों को पता है, ये जो बीच में आप लोगों के लकड़ी के बने हुए ना गाइस, वहां पर तो 3 से 4 होल है यार। आप लोग पहले होल को यहाँ पे चेकआउट करो कि आप नीचे बैठकर आप लोग काफी आसानी से उसको मार सकते हो। सेकंड होल भी गाइस उसी के पास में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग मार सकते हो। फर्क ये है कि आपका रिफ्लेक्सेस इन गाइस आपके यहाँ पे जो है एम काफी अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग ये कर सकते हो। बट यार होल तो काफी सारे हैं, अगर आपको मैच जीतना है तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए प्लीज मेक श्योर फॉलो कर लो, बिकॉज आप लोग को पता है ये पूरी सीरीज चल रही है, बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर। Watch out! Cover me! आ जाओ अपन।